चल रहा है और इसमें सभी स्कूल्स को निर्देशित किया गया है कि वे सब इसमें कोऑपरेट करें। जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, वे अधिकतर स्कूल्स में ही अगर वैक्सीनेशन का लाभ उठा लेते हैं तो पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम्स को घर घर जाके दोबारा मेहनत नहीं करनी होती। स्कूल्स का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे सारे इस अभियान में कोऑपरेट करें और सभी बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग बुलवाकर वो पेरेंट्स को मोटिवेट करें और उसको इसकी जानकारी दें। 9 महीने से लेकर 15 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को ये लगना अनिवार्य है और किसी को रिसेंट पास्ट में लगा हो तो उसके बावजूद भी बच्चों को लगना आवश्यक है। किसी बच्चे ने रिसेंटली लगवाया हो तो भी इसको दोबारा लगवाएं। मीजल्स रूबेला का ये पूरा देशव्यापी अभियान है और इसका टारगेट ये है कि मीजल्स और रूबेला का जो नाम है पूरे देश से समाप्त किया जा सके, बच्चों को इस प्राणघातक बीमारी से बचाया जा सके। ये आपके बच्चों के लिए और उनकी जीवन की रक्षा के लिए ही आवश्यक है कि आप इसका वैक्सीनेशन बच्चों को करवाएं। पेरेंट्स में अगर कोई भ्रांति है या टीचर्स में भ्रांति है, स्कूल्स में भ्रांति है तो उसको दूर करें। कुछ दिन पहले एक 2009 का वीडियो वायरल हुआ था, किसी ने बड़े ही कॉन्स्पिरेसी के तहत ये वीडियो वायरल किया है ताकि पूरा देशव्यापी अभियान है ये सफल ना हो पाए। वो अभियान 2009 में चला था, उसमें केवल मीजल्स की वैक्सीन लगी थी और 9 वर्ष पहले की क्लिप को ये प्रचारित किया जा रहा है कि 2018 में उससे कोई इंसिडेंट हुआ। अब जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो मीजल्स की नहीं है, वो मीजल्स रूबेला जॉइंट वैक्सीन है। वो वैक्सीन अब डिस्कार्ड कर दी गई है, नई वैक्सीन है, उससे कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ा हो। पूरी तरह यह सुरक्षित है और पूरी तरह यह अभियान अभी तक सफल रूप से चल रहा है। अब सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें कोऑपरेट करें। यदि ये पाया जाता है कि कोई स्कूल्स या बाकी संस्थाएं जिनको निर्देशित किया गया है वे इसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं और अपना सामाजिक दायित्व और बच्चों के जीवन रक्षा के लिए खुद का दायित्व नहीं समझते हैं तो फिर उनको गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस का वायलेशन करने के लिए फिर उनकी मान्यता प्रत्याहरण की भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी इसमें कोऑपरेट करें, परंतु यदि कोई कोऑपरेट नहीं करता है तो फिर उनको सख्ती से भी निपटा जाएगा।